सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है सबके। मैं आ गया हूँ आपके लिए फिर से न्यू व्लॉग लेके। और आज हम जा रहे हैं कहाँ, आज हम जा रहे हैं करोल बाग, थोड़ा घूम के आएंगे। और देखो थोड़ा सा काम है वो भी निपटा के आने हैं। और दूसरी चीज़, तो आप बने रहिए इसी व्लॉग में। फिलहाल नितिन नहीं है, मैं अकेले ही जाऊँगा। तो आप तो यार, मैं ना अभी फ़िलहाल आया था साइबर कैफ़े से, थोड़ा सा काम था वहाँ पे, काम अपना कर लिया है। और अब मैं जा रहा हूँ नहाने, फिर नहा धो के मिलता हूँ और उसके बाद चलते हैं करोल बाग। रेडी तो कमेंट करके बताओ भाई मैं कैसा लग रहा हूँ। और अभी हम निकलते हैं, जल्दी से चलते हैं फिर मेट्रो, फिर वहाँ से पहुँचते हैं जल्दी से करोल बाग, फिर अपना जो काम है वो निपटाते हैं, फिर वापस आते हैं और देखते हैं कितना टाइम लगेगा वहाँ पे। बाकी मैं लेट हो चुका हूँ वहाँ पे पहुँचने के लिए, पर ठीक है चलते हैं जल्दी से। हमारे घर से मेट्रो का डिस्टेंस है लगभग लगभग 8 से 10 मिनट, जो मैं पूरा कर लेता हूँ कितने, 7 to 8 मिनट में, 7 to 8 मिनट में मैं पूरा कर लेता हूँ। और अभी हम पहुँच रहे हैं मेट्रो मौजपुर मेट्रो। तो भाई फिलहाल मैं मौजपुर मेट्रो स्टेशन पर पहुँचने वाला हूँ। भाई खाली सा लग रहा है यहाँ से स्टेशन तो, ये भाई रोड आ रहा खाली है भाई पूरा। फिलहाल रिचार्ज करवाने अपने मेट्रो कार्ड के अंदर भाई, 100 का रिचार्ज पूरा हो गया, अब हम चल रहे हैं मेट्रो के अंदर। चलो जी मेट्रो कर ली पार। भाई सुनसान सा लग रहा है स्टेशन, मैं भाई लिफ्ट से जाना पसंद करूँ। गया हूँ यहाँ मौजपुर की लिफ्ट में, ये लिफ्ट है भाई, सबने देखी हुई है, बस मैं सबको दोबारा दिखा रहा हूँ ठीक है। अब भाई हम जा रहे हैं मेट्रो में, अगर खड़ी हुई होगी तो और बढ़िया है। दिस इज माई बैड लक, जिसको कहते हैं बैड लक। भाई इससे बड़ा बैड लक और क्या होगा। बैड लक कुछ हो नहीं सकता कि मेट्रो एकदम से चली गई, रुमाल भी लाना भूल गया मैं ठीक है, और घड़ी भी लाना भूल गया, इतनी जल्दबाजी हुई थी, दोनों चीज़ भूल गया और मेट्रो आती चली गई। भाई मूड पूरा खराब हो गया पूरा का पूरा, पता नहीं कितनी देर में आएगी मेट्रो भाई। लो यहीं देख लेते हैं, इसमें तो ठीक से भी नहीं आ रही, 5 मिनट दिखा रही, और ये वाली आ गई भाई पीछे की, ये वाली आ गई पीछे की, और ये वाली तो ना आई। मैं ना फिर से आ गया क्योंकि भाई वहाँ वेट करना, भीड़ वैसी बढ़ रही है और मैं वेट करता रहूँ यार, दिमाग ख़राब हो रहा है भाई, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा, रुमाल की दिक्कत ज़्यादा हो रही है। ये देखो भाई पूरी मेट्रो खाली है यहाँ से, और वो मैं जैसे ऊपर गया मेट्रो खाली हो गई भाई, मेट्रो बंद हो गई, क्या कर सकते हैं। फिलहाल मैं उतर गया हूँ और 18 मिनट के अंदर मौजपुर से आनंद विहार छोड़ दिया भाई मुझे मेट्रो ने। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ भाई फिलहाल ब्लू लाइन की मेट्रो, फिर मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। उस स्टेशन पे भाई भीड़ हद से ज़्यादा हो रही है, हद से ज़्यादा भीड़ हो रही है भाई, और ये बिल्कुल खाली है, बिल्कुल क्लीन चिट, एक आध है ये रेड रंग की पर्ची, बाकी बढ़िया सारा। करोल बाग है, इतनी भीड़ हो रही है यहाँ तो, करोल बाग। फिलहाल मैं अपना काम कर लूँ जो करने आया हूँ। भाई मुझे चलते चलते ना बहुत देर हो गई, और मुझे यहाँ पे बाटा का शोरूम ढूंढना, और बाटा का शोरूम मिल नहीं रहा है मुझे, पता नहीं कहाँ है भाई। कोई नहीं चलते हैं, ये बाटा का शोरूम ये रहा, मिल गया भाई बाटा का शोरूम मिल गया। चलो मैं मिलता हूँ अपने काम करने के बाद, यहाँ कुछ काम है पहले वो निपटाऊँ। जा रहा हूँ गफ्फार की साइड, यहाँ आए हैं और गफ्फार में नहीं जाएं ऐसा तो भाई हो ही नहीं सकता। उसका रीज़न है मैं जब भी आता हूँ एक ना एक फ़ोन लेके आता हूँ जो ख़राब, जो मेरा सही हो यहाँ पे आके। तो मैं जा रहा हूँ फिलहाल गफ्फार की तरफ, यहाँ पे ना भीड़ हद से ज़्यादा बहुत है, बहुत भीड़ है, क्राउड ही क्राउड है। बस आ गया मैं, बिल्कुल वहाँ पहुँच गया था वहाँ, जबकि मुझे यहीं कहीं मुड़ना था। मैंने अभी पूछा है
अब जा रहा हूँ मैं गफ्फार, पहले फ़ोन चेक करवा लूँ कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। अभी कॉल आई कि कमला नगर पहुँचो, बाकी का काम वहाँ पे। मैंने कि भाई आज ही घुमा दो सारा कुछ मुझे आज ही घुमा दो। तो अब मैं जा रहा हूँ भाई पहले गफ्फार, फिर वहाँ से सीधे कमला नगर। भाई ये गफ्फार की तरफ जा रहा है ये वाला रास्ता, मैं इतनी देर बाद अब जाके गफ्फार की तरफ जा रहा हूँ और इतनी देर हो गई मुझे चलते चलते। ये क्या है पता ना क्या है भाई। भाई भूख बहुत लग रही है फिलहाल, पहले कमला नगर हो गया हूँ, उसके बाद देखूँगा कुछ खाऊँगा। फिलहाल मैं जा रहा हूँ गफ्फार का रास्ता। को करते हैं अलविदा और अब हम जा रहे हैं वापस कमला नगर मेट्रो की तरफ। कमला नगर मेट्रो नहीं, मतलब फिलहाल करोलबाग मेट्रो की तरफ जा रहा हूँ और वहाँ से फिर सीधे कमला नगर के लिए मेट्रो। भाई फिलहाल मैं भीड़ भाड़ छोड़ के आ गया हूँ आगे और अब मैं जा रहा हूँ धीरे धीरे करोलबाग मेट्रो। ये है भाई रवि रास्ती कुल्फी। बहुत भीड़ है भाई यहाँ तो, पैदल चलने की बंदों के लिए जगह नहीं थी पीछे, अब तो तब भी थोड़ी सी ठीक है मामला। फिलहाल अब जाके मुझे सीट मिल रही है, बहुत थकान हो गई भाई आज तो। कोई नहीं जल्दी पहुंचता हूँ कमला नगर, फिर उसके बाद घर। इतने ये देख लो लग गया, मतलब ये जो ये साइड है बेकार है, चूना करंट लग जाता है। ये आ गया भाई कमला नगर का मॉल। खिलाने को ना यहाँ आज मोमोज वगैरह, ये भी है मोमोज वाला शायद से, पर मेरा मन हो रहा फिर बर्गर किंग का बर्गर खाने का, तो वो इस रोड पे तो है नहीं। ये रहा मोमोज। फुलबंगस भाई कोई भी नहीं जा रहा है यहाँ से भाई, फुलबंगस जाने को रेडी नहीं हो रहा। मुझे बोला गया है कि यहाँ से ना फुलबंगस बेस्ट पड़ेगा तेरे लिए मेट्रो, फुलबंगस कोई भी जाने को रेडी नहीं हो रहा है। फुलबंगस जा रहे हो क्या? कोई भी नहीं जा रहा भाई फुलबंगस, कोई भी नहीं जा रहा भाई पुलबंगस। ये यहाँ का मेट्रो है भाई, ये यहाँ की मार्केट है। यार बर्गर किंग किस साइड है भैया पता है क्या? मेट्रो है भैया। भाई यहाँ से बर्गर किंग भैया दूर बता रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ पे नहीं है। भाई ये है मॉल भाई। आज मेरा जो खाने का मन था वो तो मिला ही नहीं मुझे। चलो कोई नहीं, थोड़ी देर में पहुँच ही जाएंगे। ये कंस्ट्रक्शन की वजह से ना इतना जाम है हमारा मेट्रो स्टेशन भाई, वो रहा मेट्रो। भाई अब मैं जा रहा हूँ फुलबंगस मेट्रो और यहीं से जाऊँगा घर। अगर मुझे रास्ते में कुछ मिल गया फिर मैं खा लूँगा, अदरवाइज घर जाके फिर वाई भी जाके वहाँ कुछ खाऊँगा मैं। ये रहा भाई फुलबंगस। मैं घर पे आ गया हूँ अब ठीक है, और मैं थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, मैं थोड़ा आराम कर लूँ। बाकी नितिन से बात हो गई मेरी, वो भी थोड़ी देर में आएगा, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। खाना वाना खा लूँ पहले यार ठीक है, उसके बाद मिलता हूँ आराम से। भाई मैं ना नितिन और भैया के पास आया था, पर इन्होंने तो अलग ही बहम तोड़ रखे हैं। भाई नितिन हाँ टेंशन क्यों ले रहे हो इतनी? अच्छा ओके, तो ये सब छोड़ो, ये तो बताओ कैसे करें? तुम ट्रिप पे चलोगे ना अगले महीने, उसका बताओ। वेट एंड वॉच। पर तू मेरा तो पक्का है भाई, हम दोनों का तो पक्का है, इनका पता नहीं। देखो क्या रहे नहीं होगा तो करवा देंगे। भाई मेरी गली के जैसे कुत्ते रहे ऐसे किसी की गली के नहीं होंगे, इतना भौंकते हैं मतलब हद से ज्यादा। वैसे तो और भी लोग भौंकते हैं पर कोई नहीं, भौंकने दो इन्हें भी, भौंकने दो भाई, मौज लेने दो। तो आ गया हूँ मैं फिर से, और जिसको भी ये ब्लॉग अच्छा लगा हो वो ब्लॉग लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना।